Sir, thank you very much for giving me time. At the outset, I would like to congratulate Honorable Member Sri Bhartahari Mehtab for two reasons. First, bringing or thinking about the senior citizens. And secondly, I got an opportunity to speak. Otherwise, I am not getting the opportunity to speak in the Parliament. And I am sure Deputy Speaker, sir, will allow me to speak for a few minutes. Because I will be speaking, I will be touching some fundamental points about the health. To world people. Number one, ये देश, इस देश के अंदर कब है, इस इतिहास रहा, रामराज में जिसकी महात्मा गांधी बात करते थे, कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। वहां किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं था, को शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का भी रोग नहीं था। इसका कारण क्या था? इस देश के अंदर होलिस्टिक थिंकिंग थे, टनल माइंडेड नहीं था। जैसे आज ये जो स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है, आज पत्तों में रोग लगता है तो पत्तों का इलाज ढूंढना चाहते हैं, जड़ में इलाज नहीं ढूंढते। रोड पर एक्सीडेंट होते हैं तो एम्बुलेंस चलाना चाहिए हाईवे के ऊपर, जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। लेकिन रोड पर एक्सीडेंट रोके कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में हमारा विचार नहीं है। ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बात नहीं होने वाले। हम बच्चों के लिए ये कानून बनाते हैं, बूढ़ों के लिए कानून बनाते हैं, अडल्ट के लिए कानून बनाते हैं, हर एक सेक्शन के लिए, हर एक कानून जो है हर एक बात का इलाज नहीं है। और ये हमारे देश के अंदर कानून इस बात को सिद्ध कर चुका है। तो जरूरत किस बात की? पहली बात तो ये, अभी माननीय मंत्री जी बोल रही थी कि 2007 में एक नया कानून लाए कि जो मां बाप का देखभाल नहीं करता उसको सजा होगी। ये दुर्भाग्य की बात है। वृद्धाश्रम बनाने की लोग हम बात करते हैं, अगर हम अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेज के अंदर ये सिखाएं और ये बतलाएं कि हमारे मां बाप वो देवता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये इस देश की संस्कृति थी, अगर ये उनके बच्चों के दिमाग में डाला जाए तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं, करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बच्चों को बताया जाए, अगर ये दुनिया को अपने समाज बनाए, एक अच्छी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी इस देश के अंदर लाई जाए। आज शरीर व्याधि मंदिरम, बच्चे भी बीमार हैं, जवान भी बीमार हैं, बूढ़े भी बीमार हैं, सब जगह बीमारी बीमारी। जितने ज्यादा हॉस्पिटल, जितने ज्यादा डॉक्टर, उतनी ज्यादा बीमारी। किसी भी इलाज, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कमी नहीं। सब जगह स्पेशलिस्ट का जमाना आ रहा है। समवेयर वी हैव कमिटेड रॉन्ग। तो मेरा एक निवेदन है माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं कि ये जो टनल माइंडेड जो थिंकिंग है, इससे बात नहीं बनेगी। आज वर्ल्ड WHO ने एक रिपोर्ट लिखी कि बाय 2025 तक, 2025 तक डायबिटीज के अंदर, हार्ट पेशेंट्स के अंदर, किडनी के अंदर, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड कैपिटल। रोग बढ़ते जा रहे और हमारी अपनी मूलभूत बात को छोड़कर के हम कुछ ऐसी बातों पे चलते जा रहे हैं, उससे से गड़बड़ हो गया। हम आज बच्चों को ये नहीं बताते, स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ा जाता कि हेल्दी रहने के लिए क्या करने की जरूरत है, क्या खाना खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। गीता में हजारों साल पहले इस बात को कहा गया, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधन से दो योगी भवति दो कहा। अगर हमारा बैलेंस खाना पीना है, युक्त आहार विहार से हमारा चाल चलन बैलेंस्ड है, हमारा सोना जागना अगर बैलेंस्ड है, तो आदमी दुखों से जो है बीमारियों से दूर रह सकता है। सर, आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स। आप हर एक बात के लिए स्पेशलिस्ट की, हर एक बात के लिए मेडिसिन की जरूरत है। आई विल जस्ट कोट JRD टाटा। JRD टाटा रोट द फॉरवर्ड टू वन हेल्थ बुक एंड ही मेंशन, इफ यू फॉल सिक गो टू द डॉक्टर, गेट हिज प्रेस्क्रिप्शन एंड पे हिज चार्जेस बिकॉज द डॉक्टर हैज टू सर्वाइव, टेक हिज प्रेस्क्रिप्शन, गो टू द केमिस्ट, परचेज द मेडिसिन, pay the bill because the chemist has to survive, bring the medicines at home but don't take it because you have to survive. If you want to survive, we want to remain healthy, we have to go without, can we without medicine can we remain healthy? What to have, what kind of policy we should have? That is why hamare usme bataya gaya, purani baaton mein kehte the ki pragya apradho hoi mulam sarv roganam, hamari agar bachcho ko bataya jaye ki hamari soch mein samajh mein kahin gadbad hai, सवेरे उठने वाले सवेरे से उठना चाहिए है, हमें खाने में क्या खाना है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था डिमेंशिया के ऊपर, डिमेंशिया के जेनेटिक बीमारी के ऊपर, कि उसके खाने में जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी उन लोगों की है जो नॉनवेज खाना खाते हैं।
इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए. अमेरिका के अंदर इफ यू गो ऑन इंटरनेट एंड फाइंड आउट प्लीज, एवरी ईयर अराउंड 1 million Americans आर टर्निंग टू वेजिटेरियन, नॉट बिकॉज ऑफ सब रिलीजियस रीजन और स्पिरिचुअल रीजन, दे आर टर्निंग बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीजन. इसके अपने को एक तरफ हम कहते हैं कि शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए. क्यों? शराब पी करके जब गाड़ी आदमी चलाता है कोई एक्सीडेंट कर सकता है, अपने को मार, दूसरे को मार सकता है. एक तरफ हमारी पॉलिसी है, दूसरी तरफ हम शराब बनाने की बात करते हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट द मिनिस्टर कि कोई नए कानून की इस देश के लिए जरूरत नहीं है. जो हमारी हेल्थ पॉलिसी है उसमें जो है हमें सुधार करने की जरूरत है, उसमें विश्वास करने की जरूरत है. थैंक यू.